लोगों का अपना निर्णय है, उसमें हम लोग को क्या कहना है। अब क्यों नहीं शामिल होंगे, क्या चाहते थे वो लोग जो पूरा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से शामिल नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से तो वही लोग बताएंगे। जानकारी ये मिल रही है कि शायद दो बर्थ चाहते थे मंत्रिमंडल में, एक ही मिल रहा था शायद, इसके लिए नहीं हूँ। जो वजह हो, ये उन लोगों का अपना अंदरूनी मामला है। इस मामले में हमको कोई विस्तार से जानकारी नहीं, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं इसके अलावा। ये आरसीपी सिंह जिस तरह से जदयू पार्टी को डूबता हुआ जहाज बताया था, उस पर ललन सिंह ने कहा कि दौड़ता जा रहा है, तो ये कैसा? अब देखिए, इन लोगों का आपस में चल रहा है, उसमें हम क्या, हम लोगों को कमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरसीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनको जो भी ताकत मिली, जो भी उनको हैसियत मिली, नीतीश जी के ही माध्यम से मिली। अब ये ठीक है कि आप आईएएस थे, आईएएस आप अपने बदौलत हो गए, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन राजनीति में जो भी आपको ताकत मिली है, वो ताकत तो नीतीश जी के ही वजह से मिली। और हमको लगता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में, चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में भी नीतीश जी जितना उनको सह देते थे, हमको नहीं लगता है कोई बॉस जो है माने इस तरह से सह देगा। हमारे सामने की बात है, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, ही हंसने लगते थे, बात को काट देते थे। हमने एक बार टोका था उनको, हम और नीतीश और वो तीनों आदमी बैठे थे, उसमें वो दो बार ऐसा हुआ कि ही किया, मैंने बात काट दिया। तो हमने कहा कि ये क्या है भाई, रामचंद्र बाबू इस तरह से आप तो बात काट देते हैं। तो जितना उनको सह दिया, जितना प्रश्रय दिया, और पहले से ही शिकायत वकायत आ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोगों से मिलते जुलते थे, काफ़ी लोगों से मिलते जुलते थे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उसमें उन्होंने बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना जो है वो मुफीद बैठेगा, उसके अनुकूल बैठेगा, क्योंकि इनका जो भाषण हम राज्यसभा वगैरह में सुनते थे, उससे ये लगता था कि ये जनता दल यूनाइटेड की जो पृष्ठभूमि है, वो पृष्ठभूमि का जो एक दिमाग में विचारों के आधार पर और चीज़ों के आधार पर, जैसे हम ही थे एनडीए के, जनता दल यूनाइटेड से हम जो है राज्यसभा में रहे। अब नीतीश कुमार, आपको तो एक ही बार में हटा दिया, पार्टी से ही निकाल दिया। लेकिन अब हम लोगों का जो संस्कार बना है एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, वो संस्कार जो है वो कम्युनल वाला संस्कार नहीं है। या बाकी नीतियों के मामले में भी, चाहे वो आर्थिक नीति हो या बाकी चीज़ों हो, हम लोगों ने लोहिया को, किशन पटनायक को, बाकी लोगों को पढ़ा है, सुना है, उसके आधार पर हमारा सारा भाषण होता था। और ऐसा भी हुआ है कि हम भाषण दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला करके हमको चुप करा रहे हैं, लेकिन हमने जो रामचंद्र बाबू को सुना है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के खांटी जो वहाँ लोग हैं, वो जिस तरह से बोलते थे उसी तरह से वो बोलते थे। इसीलिए हमारी प्रतिक्रिया ये हुई कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल बनेगा। तो इसलिए अब इन लोगों का अंदरूनी मामला है, भीतर में क्या क्या हुआ हम नहीं जानते हैं, अब देखिए बात सामने क्या आती है। क्या बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है, सरकार में इस तरह से लग रहा है? नहीं, सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है, सब कुछ जो है सरकार में ठीक नहीं चल रहा है। अब इधर जो बैठक बुलाई गई है, हमारे यहाँ भी बैठक बुलाई गई है, हम जानते नहीं हैं, हमारी बातचीत नहीं है, न तेजस्वी से हमने इस बारे में पूछा है, न जगदानंद सिंह से पूछा है। और उधर भी जो बैठक बुलाई गई है, माझी जी की बैठक बुलाई गई है, ये सब क्या हो रहा है ये हम नहीं जानते। अब बहुत लोगों को आशंका इस बात की है कि साहब नीतीश जी जो है वहाँ अनकम्फर्टेबल, असहज महसूस कर रहे हैं, भी हम नहीं जानते हैं कि क्यों असहज महसूस कर रहे हैं। इसलिए कि अभी तो अमित शाह भी आके कह गए कि हाँ साहब नीतीश जी के ही नेतृत्व में होगा, या प्रधान जी आए थे उसके पहले वो भी कह गए थे, तो क्या है ये हम ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि नीतीश कुमार पिछले विधानसभा में जो उनको उनकी सीटें घटी, उसमें चिराग के जो कैंडिडेट थे उनकी एक भूमिका थी। अब जैसे मान लीजिए कि ये जहाँ से ये क्या नाम है, विजय मंडल हम लोगों के पार्टी के जीते, कौन क्षेत्र है वो,
रोहतास जिला का, वहाँ दिनारा से, वहाँ से राजेंद्र सिंह जो है वो कैंडिडेट बन गए। क्या नाम है, वो बहुत प्रभावशाली आदमी थे। हमने देखा कि हम राजेंद्र सिंह को जानते उनते नहीं थे, तो कैंडिडेट बने तो देखा कि कौन कौन नहीं आया उस विधानसभा क्षेत्र में। अगर राजेंद्र सिंह कैंडिडेट नहीं होते तो हमारे उम्मीदवार का जितना जो है शायद सबसे और क्षेत्र होगा। तो और पूरे चुनाव अभियान के दरमियान चिराग ने ये कहा नरेंद्र मोदी जी का नाम लेके कि मैं उनका हनुमान हूँ। इसलिए हम लोगों के मन में ये बैठी हुई है बात कि साहब हम लोगों को साजिश करके हराया गया। उस दरमियान चाहे नरेंद्र मोदी जी आए हों या अमित शाह आए हों या पार्टी के अन्य नेता आए हों, उन लोगों में से किसी ने ये नहीं कहा कि ये चिराग पासवान जो नरेंद्र मोदी के नाम पर अपने आप को बता रहे हैं लेकिन वो वोट जिसके लिए मांग रहे हैं वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जा रहा है, ये किसी ने नहीं कहा। तो नीतीश कुमार जी के मन में बैठा हुआ है। अब नीतीश कुमार के का जो स्वभाव है अब उसमें मन में बैठा हुआ, अब क्या कहा जाए। अब हम जो है हमारे जैसे आदमी को जिसके साथ लंबा एसोसिएशन रहा है, हमको निकाल बाहर करने में उसको एक मिनट की देर नहीं है। और जो हमने राजगीर में कहा था वो सामने दिखाई दे रहा है, सामने दिखाई दे रहा है। अब ये नागवार गुजरा नीतीश को, और हम भी जो है थोड़ा सा माने अपने टाइप के आदमी हैं, हमारा वही स्वभाव जो है उसी तरह का है। उस भाषण के बाद हम नीतीश से मिलने नहीं गए, और नीतीश से अगर हम मिले होते और कहते कि छोड़ो बात खत्म हुई तो शायद खत्म हो जाती। लेकिन मेरा भी उसी तरह का स्वभाव है, हमको लगा कि आप बोले अब इसके लिए हम जाके किसी के सामने सॉरी कहें। और हमने कभी सर झुका के राजनीति नहीं किया, निकाल दिए। तो हमने एक बार कहा था कि देखो हमको ऐसा नहीं है कि हमको कोई पर्दा के पीछे जो है भेज के हमको अंधेरे में डाल सकता है, वो किसी में हैसियत नहीं है। हम नहीं है राज्यसभा, नहीं है MLA, नहीं है मिनिस्टर, फिर भी राजनीति में हमारी पहचान तो है ना भाई। इसको न नीतीश कुमार खत्म कर सकते हैं, न लालू यादव खत्म कर सकते हैं। ये तो क्या लगता है कि बिहार में सरकार रहेगी? अब ये कैसे हम कह सकते हैं भाई रहेगी, अगर मान लीजिए कि वो हट जाएंगे तो कैसे रहेगी, नहीं हटेंगे तो रहेगी। ये तो बहुत साधारण सा सवाल है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, अब हम कोई पत्रा देखने वाले पंडित नहीं है कि हम आपको बताएं कि रहेगा कि नहीं रहेगा। हम इसके बारे में क्या बताएं, इसके बारे में हम क्या बता सकें। कोई सवाल बनता भी नहीं है कि हम कौन होते हैं कहने वाले कि सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी। सरकार उन लोगों की है, उनको तय करना है। क्योंकि बिहार में जिस तरीके से राजनीतिक माहौल बन रहा है, क्या बन रहा है राजनीतिक माहौल बताइए। चाचा भतीजे का भी क्या चल रहा है भाई। अभी मान लीजिए हटना अगर चाहेंगे तो हम लोगों के सामने क्या रास्ता है। अगर मान लीजिए कि अलग हो गए नीतीश कुमार वहां से, और अलग हो गए तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि साहब आप विश्वास मत हासिल कीजिए। उस विश्वास मत में हम क्या करेंगे, सरकार को गिरा देंगे। हमारा तो दायित्व तो बनता है कि हम भाई निकले हैं तो हम समर्थन करेंगे। तो हमारे लिए पॉलिटिकल कंपल्सन, हमारे सामने रास्ता क्या है भाई। अब हम ही तो नहीं हो सकता है कि हम साहब ये भारतीय जनता पार्टी से अलग होते हैं, अलग होकर के खड़े होते हैं तो हमको साथ देना ही है। हम जो है भारतीय जनता पार्टी का जो कि नीति है, आर्थिक नीति है, बेरोजगारी के सवाल पर नीति है, महंगाई के सवाल पर नीति है, जिस ढंग से सारे जो भूख बेरोजगारी गरीबी के सवाल को, जो देश की सुरक्षा का सवाल है, चीन से जो खतरा है, सब सवाल को कम्युनलिज्म के आगे हिंदू मुसलमान के पर्दा में और झंडा के राष्ट्रीय झंडा के पर्दा में वो छुपाना चाहती है, हम उसके खिलाफ हैं। तो हम जो है कोई उससे अलग होता है तो हम तो उसका स्वागत करेंगे, छाती खोल करके स्वागत करेंगे, इसमें क्या संदेह है।